आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल आत्मा कलीसिया से क्या कहता है पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, अभी कुछ समय पहले एक भाई ने एक वीडियो बनाई और उसमें प्रभु के दास को गलत बोला और उसमें बताया कि यहाँ पर देखिए कैसे ये गलत काम करता है जो बाइबल के विरुद्ध में है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के दास ने परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों के बीच में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की महिमा की इस अद्भुत चमत्कार को, इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को दिखाकर। ओके, अब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा। ओके, कि आपका हाथ दीवार से चिपक जाए, चिपक जाएगा और फटा नहीं पाओगे, दीवार से हाथ फटा नहीं पाओगे। और जब मैं बोलूंगा दीवार से हाथ फटे, कभी हटेगा। हालेलुया, मेरी प्रार्थना है कि ये सब पर प्रभु करे, लेकिन जिसके लिए प्रभु चाहता है उसी के लिए हो, पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, आप तैयार है क्या? तैयार है? हालेलुया, आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके चमत्कारों के लिए कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। यीशु भाई, आप पवित्र हालेलुया प्रभु, जितने तेरे बेटे और बेटियों ने दीवार पर अपने हाथों को रखा, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को दीवार पर रखा हुआ है, लगाया हुआ है, मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु, और आपसे विनती करता हूँ तेरे के अधिकार के साथ इनके दाहिने दोनों हाथ दीवार से जिन पर इन्होंने रखा है हाथ अपना, चिपक जाए, चिपक जाए, चिपक जाए बुरी तरह से। और ये अपना दोनों हाथ, ये सारे व्यक्ति, ये तेरी कलीसिया अपने दोनों हाथ दीवार से हटा ना पाए, ऐसी सामर्थ से, ऐसी तेरी सामर्थ से इनका दोनों हाथ दीवार से चिपक जाए। एलिया के अभिषेक में कहता हूँ, इनके दोनों हाथ, सबके दोनों हाथ दीवार से चिपक जाए, चिपक जाए राइट नाउ, अभी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से, आमीन। अभी चेक करो, जो जो नहीं हटा पा रहे हो बोल दे हालेलुया, जिसका नहीं हट रहा है बोले हालेलुया। हाथ नहीं हटा पा रहा हो, अपना दीवार से चिपक गया है, कह चिपक गया मेरा, हालेलुया। और किसका भाई आपका? हाँ जी, नहीं, हालेलुया, ये यीशु है, हालेलुया, ये कौन है? बोलो यीशु, यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन सबका हाथ हट जाए, जिन लोगों का चिपका हुआ हाथ यीशु के नाम से, इसी वक्त पहले से भी अच्छा हो जाए, उनका हाथ दीवार से हट जाए यीशु के नाम से, अभी हट जाए, हटा हट जाएगा। हालेलुया, आइए हम देखें कि जिन लोगों के लिए प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद उनके जीवन में जो कार्य हुआ, उन्होंने खुद अपने मुंह से गवाही दी। आइए हम उनके गवाही को सुने। सभी भाई, मैंने को जय मसीह की, मेरा नाम पिंकी मसीह है। प्रॉफिट अभिषेक जी की मैंने मीटिंग अटेंड की, इससे मैं विश्वास बढ़ा और मुझे अच्छा लगा और शांति और मेरे आशीष मिली, और मेरे घर में जो हालात थे उनकी मीटिंग अटेंड करने से मेरे हालात बदले, इसके लिए मैं विश्वास और मेरा बढ़ गया। प्रभु यीशु है, जिंदा जागता परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार दिखाता है। और उसके बाद उन्होंने प्रेयर की कि प्रभु यीशु और चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, जिससे आपका विश्वास और बढ़ेगा। तो मैंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा प्रेयर करूँगा, प्रभु यीशु जिसका चाहेगा उसका हाथ चिपका देगा दीवार में। मैंने प्रभु यीशु से मन में कहा, प्रभु यीशु ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा जिस जो विश्वास से रखेगा वो उसका साथ हो जाएगा। तो मैंने विश्वास से हाथ रखा और मेरे साथ सचमुच मेरा हाथ चिपक गया, इससे मेरा विश्वास जो कमजोर था और बढ़ गया मेरा विश्वास कि आप प्रभु जिंदा जागता परमेश्वर है और चिन्ह चमत्कार करता है। सभी को जय मसीह की, आमीन।
कि मेरा नाम आदित्य है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट अभिषेक जी जी की मैंने मीटिंग अटेंड की तो उन्होंने ये कहा था कि जिनका विश्वास है उनके हाथ दीवार पर पूरे अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और जिन जो नहीं रखेगा विश्वास उसके नहीं चिपकेंगे। पर मैंने विश्वास किया और मेरे हाथ चिपक गए तो मैंने प्रभु की शांति और आनंददायक मैंने महसूस किया और प्रभु का मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ चिपक दिया। जब उन्होंने प्रार्थना की तो मेरा हाथ छूट गया। प्रभु को सब आदर महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रश्मि है और मैंने प्रॉफिट अभिषेक जी की मीटिंग अटेंड की थी तो मेरा विश्वास बहुत बड़ा उनकी मीटिंग अटेंड करके। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभु की ओर से एक चिन्ह दिखाया कि आप अपने हाथ दीवार में लगाओगे और विश्वास करोगे तो वो चिपक जाएंगे। और तो वैसा ही हम सब ने किया। तो हमने अपने हाथ दीवार में लगाए तो मेरे दोनों हाथ दीवार में चिपक गए थे। फिर बाद में उन्होंने प्रार्थना की तो हमारे हाथ छूट गए और मुझे बहुत शांति आनंद बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि मेरा विश्वास बहुत कम था मेरी बेटी खत्म होने के कारण। पर जब से उनकी मीटिंग प्रॉफिट अभिषेक की अटेंड की उसमें मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया कि यीशु मसीह आज भी वही चमत्कार कर रहा है और वही है जो चमत्कार कर सकता है। सारा आदर महिमा मेरे यीशु मसीह को मिले। तो मेरे प्रियो आपने देखा होगा कि प्रभु के दास ने लोगों से दीवार पर हाथ रखने को कहा और कहा कि अभी आपके हाथ दीवार से चिपक जाएं और वैसा ही हो गया। तो मेरे प्रियो आप सोचिए जब ये अद्भुत काम ये अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके साथ होगा तो आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। आप यही तो कहेंगे कि इनका परमेश्वर बहुत बड़ा है और लोग अनेक प्रकार से परमेश्वर की तारीफ करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि यह काम कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। यह काम सिर्फ एक प्रभु का दास ही कर सकता है क्योंकि यह सब काम परमेश्वर ही कराता है और वो इसलिए कराता है जिससे उसकी महिमा हो। मेरे प्रियो उदाहरण के तौर पर हम देखें जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा कि मूसा मिस्रियों की गुलामी से इसराइलियों को आज़ाद करवाए तो परमेश्वर ने मूसा को चिन्ह और चमत्कार क्यों दिए? इसलिए दिए कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को जानें और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने जंगल में मूसा के द्वारा करवाए। तो मेरे प्रियो प्रभु के दास ने जो आश्चर्य कर्म किए प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने के लिए किया। तो क्या इसमें कुछ गलत किया? नहीं, पर बस फर्क इतना है कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा था इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए और प्रभु के दास को भेजा था आत्मिक इसराइली को पाप की गुलामी से छुड़ाने। पर काम दोनों प्रभु का ही कर रहे थे, बस आश्चर्य कर्म फर्क थे क्योंकि वहाँ की परिस्थिति कुछ और थी और वहाँ की कुछ और। मैं इतना बताना जरूर चाहूँगा कि प्रभु परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि सब बातें बाइबल में लिखी जाती तो बाइबल हमें बताती है कि ये बाइबल इतनी बड़ी होती कि इस पूरे जगत में नहीं समाती। लेकिन मेरे प्रियो इसमें कुछ ही बातें लिखी गई हैं, एक एक बात नहीं लिखी गई है। यदि कोई कहे कि ये वाला आश्चर्य कर्म करने के लिए बाइबल में नहीं बताया गया तो मेरे प्रियो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा भी है। वचन जब आप पढ़ते हैं तो वचन हमें ये सिखाता है, वहाँ लिखा तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। तो मेरे प्रियो ये जो कार्य है वो सिर्फ इसलिए है जिससे कि परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट हो। तो मेरे प्रियो वचन कहता है दूसरा तिमोथियुस 3:16 तो लिखा है वहाँ पर कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रचा गया है।
तो मेरे प्रियो, जो बातें इसमें लिखी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही गहराई से भरी हैं। आपको समझना पड़ेगा उन बातों को, तब आप समझ पाएंगे। और उसको समझने के लिए हमें होली स्पिरिट की आवश्यकता है। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट को अपने जीवन में बुलाएं और समझें उन गहराई की बातों को। तो मेरे प्रियो, कोई ये ना कहे कि ये वाली बात जो है वो बाइबल में नहीं लिखी, क्योंकि ये जो आश्चर्य कर्म प्रभु के दास ने किया वो सिर्फ इसलिए किया जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ को लोग पहचाने, लोग जान सके कि इनका परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है। और जब वो ये काम देखेंगे तब उनके दिल में विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास पैदा होगा तो वो और ज़्यादा मसीह के करीब में आएंगे। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रभु परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए सब बातें बाइबल में नहीं लिखी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे और जब एक जन्म के अंधे से मिला और उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूँ, तो उसने क्या कहा, यही कि मैं देखने लगूँ। तो प्रभु ने उसी वक्त जमीन पर थूका और मिट्टी सानी और उस अंधे की आंखों पर लगा दिया और कहा जाकर सीलों के कुंड में धो ले। और जब उसने वैसा किया तो देखने लगा। तो मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर अपने दासों को बोलता है वैसा ही उसके दास करते हैं। तो मेरे भाई, कभी भी प्रभु के दासों को बुरा ना कहो और ना ही उनके लिए अपने मुंह से कोई बुरी बात निकालो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। तो मेरे प्रियो, मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ध्यान दें। कभी किसी भी प्रभु के दास के लिए कुछ गलत ना बोलें और अपने मुंह से गलत शब्द ना निकालें, क्योंकि आज लोग एक दूसरे की कमियों को ढूंढते हैं, बल्कि बाइबल में बताती है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पर आज जो प्रेम है वो बहुत ही कम मसीहों के अंदर पाया जाता है। जो पाया जाता है वो है जलन, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर जलन है। मेरे प्रियो, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम को पहचानें और उसका पीछा करें और उसी को अपने जीवन का आधार बनाएं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।